आज यहाँ पे एकता नर्सरी होम ने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी में अंदर ही है, तो ये आज हम लोग घूमने आए हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, पूरा इसका विजिट करा रही हूँ, आप देख सकते हो गाइस। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप थे जहाँ पे ऑर्गेनिक पॉट्स मिल रहे थे और हैंडीक्राफ्ट के सामान मिल रहे थे, लकड़ियों के सामान थे। और ये गाइस आप देख सकते हो इधर ये एक नर्सरी बनी हुई थी और ये इधर भी कुछ पॉट्स वगैरह मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। बम्बू प्लांट्स के पूरे बने हुए थे ये, और ये इधर नर्सरी है, ये आप गाइस देख सकते हो, ये बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे इधर के साइड। और ये हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं गाइस इधर हार्वेस्टिंग भी हुई है बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग से। उसके बाद गाइस ये थोड़ा अंदर का और इनर व्यू है जहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट्स आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये आगे मेरे हस्बैंड चल रहे हैं। एक्चुअली गाइस हम 9 मार्च को गए थे और इस टाइम बहुत ही गर्मी हो रखी थी, तो हम बस ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी घूम लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गाइस आप प्लीज़ जब भी जाएँ तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक की मंथ में जाएं, जिससे कि यहाँ का मौसम भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो आप ये देख सकते हो गाइस यहाँ बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है, पर धूप इतनी है कि कोई इतना आपको दिखाई नहीं देगा। और इधर भी ये कैफेटेरिया बना हुआ था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की ड्रैगन फ्रूट्स के पास, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे क्राफ्ट के जैसा ही दिख रहा था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। बस हम गलत टाइमिंग पे चले गए, हमें थोड़ा मतलब गर्मी हो गई थी उस टाइम पे वहाँ के एनवायरनमेंट में। तो आप ये देख सकते हो गाइस यहाँ के बहुत सारा प्लांट है और ये ऐसे बहुत से फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे, तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है एकता नर्सरी का, भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये गाइस आप ये देख सकते हो, ये ट्राइबल आर्ट जिसे वॉली आर्ट भी कहते हैं, तो ये भी इसका एक पूरा ऐसे ट्राइबल हट करके बना हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और ये इसके बाद इधर एक कुआं वगैरह बना होता है, ये कुछ लोग गाइस हम वापस चल रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं दूसरे स्पॉट पे, तो चलिए मैं वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ।